So, hey, what's up, guys? Welcome back to our YouTube channel, Raj Tech Zone. Guys, मैं आपका दोस्त मुर्शिद राज वापस आ गया TikTok की एक और जबरदस्त ट्रेंडिंग वाली वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर. So, guys, आज की इस वीडियो में आपको कुछ इस तरह के वीडियो का ट्यूटोरियल देने वाला हूँ. जैसा कि आपको पता है कि TikTok पे ये वीडियो काफी ट्रेंड में चल रहा है, हर कोई बना रहा है, हर कोई लाइक एंड फॉलोवर पा रहा है, तो आप पीछे क्यों रहे, आप भी इस तरह के वीडियो जरूर बनाएं. तो इस तरह की वीडियो आखिर बनता कैसे है, उसी के बारे में इस पूरे वीडियो में आपको बताऊंगा और एक एक स्टेप मैं फॉलो करके बताऊंगा, तो आसानी से आप सीख पाओगे. सो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा. पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, प्यारा प्यारा कमेंट जरूर हमें कीजिएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम अगर विजिट कर रहे थे यार, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे मिस ना हो सके. तो गाइस चलिए सीधे पॉइंट पे आते हैं और बताते हैं कि इस तरह की वीडियो को बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज की जरूरत होगी. तो सबसे पहले आपको एक नॉर्मल वीडियो शूट कर लेना है. आप चाहे तो नॉर्मल कैमरे से कर सकते हो या TikTok के साउंड पे जाके भी आप इसे शूट कर सकते हो. ये वीडियो शूट करने के बाद आपको क्या करना है, दूसरा आपको कोई सा भी एक गर्ल का वीडियो चाहिए जो कि TikTok पे बहुत सारे अवेलेबल है. आप जिस सॉन्ग पे भी बनाना चाहते हो उस सॉन्ग के हिसाब से पहले एक्टिंग कर लेना, उसके बाद उस वीडियो को डाउनलोड करना. एंड थर्ड चीज़ की आपके पास KineMaster एप्लीकेशन होना चाहिए. अगर आपके पास KineMaster एप्लीकेशन नहीं है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो. और जैसे ये तीनों चीज़ आपके पास हो जाता है, आपको सिंपली KineMaster पे चलना है, वहाँ पे एडिट करना है. तो चलो KineMaster पे चलते हैं और आपको एडिट करके बताते हैं. KineMaster पे क्लिक करने के बाद आपको प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है, फिर 9:16 का रेशियो लेना है और कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा. मीडिया वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और आपको वो वीडियो लेना है जिस वीडियो को आपने नॉर्मल कैमरे से या TikTok से शूट किया है. तो मैं यहाँ पे रखा हूँ, इस वीडियो को यहाँ पे ले लेता हूँ और ओके करता हूँ. आप प्ले करके देख सकते हो. तो कुछ इस तरह का वीडियो है. तो आपको क्या करना, अगर एक्स्ट्रा पार्ट होगा आपके वीडियो में तो उसे कट कर देना है. आपको तो पता ही है कैसे कट करना है. तो मेरा वीडियो में कोई भी एक्स्ट्रा पार्ट नहीं है क्योंकि मैंने TikTok से जो है शूट किया था. ठीक है, फिर आपको क्या करना है गाइस कि इस वीडियो पे क्लिक करना है, एक बार थोड़ा सा ऊपर करना है, कलर फिल्टर का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है. देन आपको ऊपर जाने के बाद ये वाला फिल्टर यहाँ पे अप्लाई करना है. ये वाला फिल्टर अप्लाई करने के साथ ऐसा हो जाएगा, फिर ओके करना है. फिर से एक बार वीडियो पे क्लिक करना है, थोड़ा सा ऊपर करने के बाद कलर एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करके और इसे इस तरह से ऊपर नीचे करना है कि ये जो नीला नीला आसमान नज़र आ रहा है ये कुछ ज़्यादा ही डार्क हो जाए. ठीक है, तो कुछ इस तरह से ऊपर कर दोगे इस दोनों साइड का तो डार्क हो जाएगा. फिर ओके करके और आपको कुछ नहीं करना, सिंपली इसे अपने मेमोरी कार्ड में सेव कर लेना है. तो यहाँ पे एक आपको आइकन नज़र आ रहा है शेयर का, इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे 720p 30 सेलेक्ट करके एक्सपोर्ट कर लेना है. ये जब तक एक्सपोर्ट होता है गाइस, इस बीच में आपको बताता चलूँ कि यार चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली कोई भी VFX एडिटिंग या TikTok की टिप्स एंड ट्रिक वाली वीडियो आपसे मिस ना हो सके. तो यहाँ देख सकते हो कि मेरा जो है ये एक्सपोर्ट हो चुका है फाइनली. फिर आपको एक बार बैक करना है. ठीक है, बैक करने के बाद यहाँ एरो आपको शो हो रहा है, इस एरो पे तब तक आपको क्लिक करना है जब तक आपका ओरिजिनल वीडियो ना मिल जाए पहले जैसा. तो इस पर क्लिक करते हैं. तो इस तरह से आपको क्लिक करते जाना है. तो देखो मेरा ओरिजिनल वीडियो मिल चुका है. ठीक है, अब आपको क्या करना है गाइस कि यहाँ पे लेयर का ऑप्शन आपको शो हो रहा है, इस पर क्लिक करना है. मीडिया का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करना है और आपने जो अभी एक्सपोर्ट किया है उस वीडियो को लेना है. तो एक्सपोर्ट पे क्लिक करते हैं और ये वीडियो मेरा एक्सपोर्ट हुआ था, इस पर क्लिक कर देते हैं. फिर यहाँ पे आपको एक आइकन शो हो रहा है, इस पर क्लिक करना है. सेकेंड वाले आइकन पे क्लिक करना है, ये पूरा फुल स्क्रीन पे हो जाएगा और ओके करना है. देन आपको फिर से ये जो लेयर वाला वीडियो लिया है सेकेंड वाला, इस पर क्लिक करना है. थोड़ा ऊपर करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा क्रोमा की का, इस पर क्लिक करके और इसे इनेबल कर देना है. इनेबल करोगे बस आपका जो है ये नीला जो भी था वो ख़त्म हो जाएगा. तो थोड़ा सा आपको और कर देना है ऐसे, ताकि और भी ख़त्म हो जाए. ठीक है, और ओके कर देना है. तो इस दोनों वीडियो में आपका डबल साउंड हो जाएगा, तो किसी एक वीडियो का साउंड आपको ऑफ करना है. तो चलो मैं लेयर वाले का साउंड ऑफ कर देता हूँ. तो इस पर क्लिक करके इस साउंड वाले पे क्लिक करोगे और यहाँ पे क्लिक कर दो या इसे नीचे कर दो या दोनों कर दो, साउंड ऑफ हो जाएगा. ओके कर दो. फिर से यहाँ पे वीडियो के शुरू में आपको आना है, लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके, मीडिया वाले ऑप्शन पे क्लिक करके, और आपको गर्ल की वीडियो लेना है जिसे आप लगाना चाहते हो. ठीक है, तो मैं यहाँ पे वो वीडियो रखा हूँ जन्नत जुबैर का, आप चाहे तो किसी और का भी लगा सकते हो. और इसे आप ऐसे फुल स्क्रीन कर दो या जितना आप रखना चाहते हो अपने हिसाब से करके, और इसी वीडियो पे एक बार क्लिक करना है, गर्ल वाली वीडियो पे.
इधर थ्री पॉइंट आपको शो हो रहा होगा, इस पर क्लिक करके सेंड टू बैक का जो फर्स्ट ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है और ये वीडियो जो है पीछे चला जाएगा आपके ओरिजिनल वीडियो के। तो देखो वो पीछे चला गया। अब आपको लास्ट काम क्या करना है कि अपने मिडिल वाले वीडियो पे क्लिक करना है, लेयर वाले पे, और थोड़ा सा नीचे आना है, कलर एडजस्टमेंट का ऑप्शन पे क्लिक करना है और ये जो फर्स्ट वाला आइकन है इसे पूरा नीचे कर देना है, ठीक है, और ओके, आपका वीडियो रेडी हो चुका है। और एक लास्ट काम और बचा है कि आप जो क्लिप लिए हो लड़की वाला, अगर उसमें कोई साउंड है तो उसका भी साउंड ऑफ कर देना है। तो इस पर क्लिक करके, इस वाले साउंड पर क्लिक करके इसे नीचे कर देते हैं, ऑफ हो गया। आप प्ले करके आप देख सकते हो। तो मैं पूरा वीडियो प्ले करके नहीं दिखा सकता कॉपीराइट क्लेम की वजह से, तो आप इस वीडियो को मेरे टिकटॉक अकाउंट पे देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और दूसरी बात गाइस कि अगर आपको ये गर्ल वाली वीडियो चाहिए तो आप हमें नीचे कमेंट करना, मैं आपको जो है इसका वीडियो का लिंक दे दूँगा या वीडियो ही दे दूँगा, ठीक है। तो ये वीडियो टोटली कम्प्लीट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, इसे अपने मेमोरी कार्ड में सेव कर लेना है। तो फिर से ये शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है आपको और यहाँ पे 720p 30 सेलेक्ट करके एक्सपोर्ट कर लेना अपने मेमोरी कार्ड में। ये एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो गया। बाकी तो आपको पता ही है कि इसे जाके पोस्ट करना है सेम साउंड पे, यानी कि जिस साउंड पे बहुत सारे वीडियो बन चुके हैं उसी साउंड पे करना है ताकि आपका वीडियो रैंक करने का चांस ज़्यादा हो। तो टिकटॉक पे वीडियो कैसे पोस्ट करते हैं इसको मैंने पहली वीडियो में बताया था, आप उसे देख सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो गाइस यही थी आज की वीडियो, कैसा लगा आपको हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिएगा। और गाइस अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया है, पहली बार वीडियो को देखा है, तो यार चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे मिस ना हो सके। सो गाइस फिर मिलते हैं इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।